हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पर ब्रेकिंग जो निकल कर आई है, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में एक नया मोड़ आया है। जैसा कि आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के बाद में बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी भर्तियां चल रही थी, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ी भर्ती जो चल रही थी, जो केंद्र के स्तर पर भर्ती कराई जाती है, केवीएस की भर्ती। और केवीएस की भर्ती का पेपर हुए बहुत समय हो चुका है, आंसर किया है बहुत समय हो चुका है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बीएड वर्सेस टीसी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया है तो उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि फिलहाल तो केवीएस ने एक नोटिस जारी करके ये बता दिया था कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट निकालेंगे। इससे क्या हुआ कि डीएलएड के छात्र थोड़े से निश्चिंत हो गए कि चलो अब फिलहाल जो है यहां पर हम लोगों का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि बीएड के जो छात्र हैं वो लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर उन्होंने 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए उन्होंने क्या किया कि एक रिव्यू पिटीशन 16 सितंबर 2023 की डेट को डाल दिया। फिलहाल यहां पर मैं आपको बताऊं, कल जो है बहुत सारे छात्र जो है केवीएस के हेडक्वार्टर में मिलने गए थे और वहां पर उन्होंने ये मांग किया कि बिना बीएड के बारे में कुछ क्लियर हुए आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड के छात्रों को यह लग रहा है कि अगर केवीएस एक बार रिजल्ट जो है जारी कर देगी और मान लीजिए कहीं ना कहीं बीएड जो है वो शामिल भी हो जाए, क्लेरिफिकेशन याचिका में कहीं ऐसा कुछ ना आ जाए कि ये जो ऑर्डर है वो 11 अगस्त के बाद प्रभावी होगा, उसके पहले की जो भर्तियां चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, तो अगर केबीएस रिजल्ट जारी कर देगा तो कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ धोखा हो जाएगा। इसी बीच कल बीएड के बहुत सारे छात्र जो है गए वहां पर केबीएस में मिलने, उन्होंने उनसे बात किया और ये कहा कि आप हमको ये बताइए कि अभी हम लोगों ने जो है रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। आपको पता होगा 16 सितंबर को एक रिव्यू पिटीशन डाली गई है और यहां पर छात्रों ने यह कहा केबीएस में कि मान लीजिए हम रिव्यू पिटीशन में केस जीत जाते हैं या क्लेरिफिकेशन याचिका में कुछ ऐसा डिसीजन आ जाता है जो बीएड के फेवर में हो, तो क्या आप दोबारा हम लोगों को शामिल कर पाएंगे, तो इसलिए आप रिजल्ट को होल्ड करिए और रिजल्ट को होल्ड करिए जब तब तक होल्ड करिए जब तक रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई ना हो जाए या फिर क्लेरिफिकेशन याचिका के द्वारा हमको कुछ ठोस चीजें आपके सामने ना निकल कर आ जाए। इस पर जो है केवीएस में यह कहा गया कि ठीक है हम रिजल्ट को होल्ड कर देंगे, बट आप उसके लिए एक नोटिस हमको दीजिए, अगर आप वो नोटिस हमको आप देते हैं तभी हमको यकीन होगा कि हां आप लोगों ने रिव्यू पिटीशन या क्लेरिफिकेशन याचिका आपने सुप्रीम कोर्ट में डाली है। ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के आएगा और केवीएस में बता देगा कि भाई हम रिव्यू पिटीशन डाले हैं या सुप्रीम कोर्ट में ये काम कर रहे हैं, आप रिजल्ट ना रुकिए, तो ऐसे तो रिजल्ट रुक नहीं जाएगा। ऐसे में क्या किया कि बीएड छात्रों ने एक लीगल नोटिस भेज दी है। आप यहां पर देखिए ये आज की डेट पड़ी है 19 सितंबर 2023 और अमित पवन जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक नोटिस जो है इशू की है टू होम्स कवर इट मे कंसर्न। यहां पर लिखा दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई हैव फिल्ड अ रिव्यू पिटीशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ देवेश शर्मा अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर इतना द सेड रिव्यू पिटीशन हैविंग डायरी नंबर 38315/2023 इज लाइकली टू बी लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ड्यू कोर्स सब्जेक्ट टू एग्जीजेंसीज ऑफ लिस्टिंग। ये चीज यहां पर बताया गया कि हम इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस जो है भेजा है केवीएस को और ये बताया कि हाँ हमने जो है रिव्यू पिटीशन डाल दी है जिसकी डायरी नंबर ये है, तो इसलिए आप लोगों को ये करना है कि जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आप लोग होल्ड पर रखिए। अब इससे ये होगा कि अब जाहिर सी बात है मुझे जैसा लग रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर केवीएस भी एक नोटिस जारी कर देगी और ये बताएगी कि हाँ हम जो है इस वजह से हम केवीएस पीआरटी का रिजल्ट हम रोक रहे हैं, हालांकि जो बाकी रिजल्ट है वो जारी करें बट पीआरटी का रिजल्ट अभी कुछ दिनों के लिए होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल ये नोटिस जो है केवीएस को भेज दी गई है, अब देखना ये होगा कि केवीएस इस पर क्या एक्शन लेती है। ठीक है, तो फिलहाल ये रही अपडेट। पल पल की अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें, और अपडेट कैसी लगी आप जरूर बताएं, वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।